खन्ना दे विच दो कुड़ियां दे नाल होए आप बलात्कार पर डॉक्टर नहीं कर रहे कुड़ियां दा मेडिकल, आखिर की छुपया राज। सत्रकाल तुसी देख रहे हो फैक्ट न्यूज़। तो खन्ना तो बड़ी खबर सामने आ रही है। दस दे कि खन्ना दे विच दो लड़कियां दे नाल जबर जना करन दी घटना सामने आई है, जिथे एक पासे लड़कियां दे नाल जबर जना किया गया, उथे दूजे पासे पीड़ित लड़कियों का परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। भावें पुलिस के वालों मामला दर्ज कर लिया है, पर जो लड़कियां ने उन्होंने मेडिकल नहीं किया जा रहा कि उन्होंने उत्ते जो डॉक्टर ने उन्होंने उत्ते सियासी दबाव बनाया गया या फिर कारण कोई होर है, इसका खुलासा कर दिया जानकारी देने। सो दस दिए कि खन्ना के दो नाबालिग लड़कियों के नाल जबर जना का मामला सामने आया है। इन्हां दे विच भावें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, कथित दोषी नूं बिहार तो गिरफ्तार कर लिया है, परंतु पीड़ित लड़कियां दा मेडिकल नहीं किया जा रहा। मापिया ने लेडी डॉक्टर उपर धमकियां देने दे दोष भी लगाए ने, पर दूजे पासे जेकर प्रशासन की गल करिए दस दिए कि मामले नूं हुण सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह दे ध्यान दे विच लिआंदा गया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच की जाएगी, अजिहे डॉक्टर खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सो सेहत मंत्री का दूजे पासे वड्डा बयान सामने आया है, पर मापिया का की कहना है, हुण तक का मामला की सामने आया है जानकारी देने। यहाँ पे अंडर कुड़ी को ले गया, कुड़ी को कहता है कि मैंने लिखवा लिया कि मैं अब दोबारा मेडिकल नहीं करूंगा। अब क्या किया नहीं रहा, धमकी देकर लिखवाया, क्या लिखवाया मुझे तो पता नहीं है। नहीं, जब जो लिखवाया गया आपके सामने लिखवाया? नहीं, मेरे सामने नहीं लिखवाया। आपको बताया भी नहीं? नहीं बताया हमें। तो आपको बिना बताई कार्रवाई हो गई? हाँ जी। तो आपको क्या लगता है, क्या कोई बचा रहे हैं किसी को? बचा ही रहता है। तो आपको कितने घंटे हो गए यहाँ पर खड़े हुए? कम से कम 6:30 बजे आया हूँ मैं। तो अब कितने बज गए हैं? तो अभी मुझे ये तो पता देखना पड़ेगा सर कितने बज गए। तो अभी आपको पुलिस या कोई और कोऑपरेट कर रहे हैं? पुलिस वाले तो बोल रहे हैं करने के, मैडम कहते मैं करना नहीं है। कौन सी मैडम? जो जो डॉक्टर साहब है वो। अभी क्या मांग करते हो आप? मेरा मेडिकल किया जाए सर, मेरे से पूछो तो माँ पे से तो पूछना चाहिए कि हाँ मेरे लड़की राजी नहीं है कि मेडिकल कराने से, तो लिखवा ली क्यों? उल्टा क्या धमकी दी गई अभी आपको? वो मेरे घर वाली बोली कर चपेट मारूंगी मैं। किसने बोला ये? ये मैडम कौन बोला है? डॉक्टर बोल रही है। उल्टा आप ही को बोल रहे हैं? हाँ, मेरे मैडम को बोले कि चपेट मारूंगी ज्यादा बोलेगी तो। कौन सी मैडम? डॉक्टर मैडम? हाँ जी हाँ जी हाँ जी डॉक्टर मैडम। क्या मांग करते हो आप? मेरे को मेडिकल किया जाए मैडम, सॉरी मेरे से मेरे माँ पे से पूछे तो सही, मैं इतना दिन से खड़े हूँ मैम। तो आपकी बेटी की उम्र कितनी है? 13 साल है। तो उसके साथ क्या हुआ अभी? वो बलात्कार किया हुआ। तो उसको भी नहीं बताया क्या कर रहे हैं? नहीं, मेरे वो तो उसको क्या किया अंदर लिखा लिया, अभी कहते मैं लिख नहीं सकता हूँ, धमकी देर चपेट मारूंगा, ये कौन सी वाली बात है? सब जो बनती हो मिलनी चाहिए, बच्चियां बहुत छोटी हैं। आज वो हमारी लड़की के साथ करे, कल की उसकी हिम्मत बन जाए कि आगे भी करने के लिए। इस वजह से हम लोग थोड़ा चाह रहे हैं कि उन्हें सख्ती मिलनी चाहिए, कभी गलती ना कर पाए, दोबारा वो गलती ना करे। तो कितनी उम्र है आपकी बेटी की? हमारी लड़की 16 में लगी है, 15 साल 6 महीने की है। पूरी पूरी ले गया था वो, 12 तारीख को लेकर गया था। कितने दिन रखा उसने अपने पास? अब कल रात को लौटे हैं, 12 तारीख से गए। कहां से मिले दोनों? बिहार से। वहां से कौन पकड़ कर लेकर आया? पुलिस गई थी, सब लोग गए थे, ये लोग गए थे, घर वाले गए थे। ये बच्चियां ने ना सीगा बच्ची नु ले गया सी मुंडा भजा के, वो सी इतों रिकवर कर लिए, बच्ची रिकवर करी, उन्होंने मेडिकल किया। तो केड़ी धारा दा पर्चा दर्ज किया गया जी? 363 364 ए 364 4 बन चुका है कि जबर जना दे दोषियों नूं भी लगता है कि हुण प्रशासन का डर नहीं है। सो अजिहा मामला खन्ने तो सामने आया है, जिथे दोषी नूं गिरफ्तार कर लिया है, पर डॉक्टर्स दे वल्लों मेडिकल जो नहीं किया जा रहा सी कुड़ियां दा, पर हुण दूजे पासे पक्ष वड्डा सामने आ गया। सेहत मंत्री ने खुद बयान दिता है कि कार्रवाई की जाएगी, मामले नूं लैके गंभीरता बनी हुई है। फिलहाल आने वाले समय दे विच हो सकदा है वड्डी कार्रवाई होवे, पर पूरे मुद्दे नूं देखदे आ तुहाडे की विचार ने इस मुद्दे नूं लैके, आखिर कित्थे कु साडा पंजाब इस समय टुक रहा है, कित्थे कु साडा प्रशासन है जिसका हुण जो लोग ने दरिंदे ने उन्होंने कोई डर ही नहीं रहा। इन्होंने विषय में लैके तुहाडे की विचार ने अपने विचार कमेंट बॉक्स राही जरूर सांझे करना।